नमस्कार। सितंबर 2017 में किसान आंदोलन के चलते हुए कर्जा माफी के समझौते को लागू करवाने के लिए किसान आंदोलन की आगे की रणनीति की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले 22 फरवरी को जयपुर कूच कर विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई गई थी और इसके लिए चार अलग अलग जगहों से चार पैदल जत्थों के रूप में किसानों का जयपुर पहुँचना भी तय था और ये जत्थे भी शुरू भी हो चुके थे। लेकिन 20 तारीख को ही अमराराम पेमाराम सहित अन्य किसान नेताओं को जो इस पैदल जत्थे में शामिल थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इस गिरफ्तारी के बाद में जो आंदोलन का जो एक रुख है वो बिल्कुल बदल ही गया था और 22 फरवरी को इसके बाद में रामुक्काबास तिराहा पर एक अलग आंदोलन चला। वहाँ पे लोगों ने पड़ाव डाल दिया और उसके बाद में 23 फरवरी को सरकार ने अमराराम पेमाराम सहित सभी किसान नेताओं को रिहा भी कर दिया और अमराराम ने वापस आते ही जो चक्का जाम जिसकी घोषणा पहले की गई थी कि 24 फरवरी से अगर हमें नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो हम 24 फरवरी से चक्का जाम रखेंगे, तो अमराराम ने उस चक्का जाम को स्थगित कर दिया और इसके बाद में एक बार लगा कि ये किसान आंदोलन यहीं पे ख़त्म हो गया है। लेकिन 27 फरवरी को किसान सभा की राज्य कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके बाद में हमें जो प्रेस नोट मिला है उससे ये लग रहा है कि अभी ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है और किसान सभा ने आगे की रणनीति की घोषणा भी कर दी है। जो हमें प्रेस नोट मिला है उसके मुताबिक हम बताएं तो उसमें तीन बातें निकल कर सामने आती हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झुंझुनू में आएंगे अब सभा करने के लिए तो उस समय पर किसान नेता मिलेंगे उनसे और ज्ञापन देंगे इससे संबंधित में कर्जा माफ़ी के लिए और साथ में ही जो राज्य सरकार की वादा खिलाफी है उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी को अवगत करवाएंगे। दूसरा पॉइंट इससे निकल के सामने आता है कि 1 मई को जब मजदूर दिवस है तो उस दिन सभी जिला कलेक्ट्रेट पे पूरे राजस्थान में उनको ठप किया जाएगा और प्रदर्शन होगा। तीसरा पॉइंट उसमें निकल के सामने आ रहा है कि जैसे जयपुर घुसने से किसान नेताओं को रोका गया उसी प्रकार से जो सरकार के जो मंत्री हैं उनको भी गाँव में लोग घुसने नहीं देंगे और जब वो घुसने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। अब ये पूरी रणनीति किसान सभा ने राज्य कमेटी में तय की है। अब ये कितनी कारगर होगी, इसका कितना असर होगा, ये तो समय के साथ में ही हमें पता लगेगा। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं समय का कि किसान सभा की ये जो नई रणनीति है वो कितनी कारगर साबित होती है। धन्यवाद।